हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आर ओ ए आर ओ 2021 की वैकेंसी आई हुई थी और इसका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया। हालांकि रिज़ल्ट में बहुत सारे जो आरोप हैं विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए कि कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया है, ज़्यादा वालों का नहीं हुआ है, एंटी स्कोर जारी नहीं हुआ है, बहुत सी चीज़ें, और इसको लेकर केस भी किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसमें जो भर्ती होती है बहुत ही तेज़ी के साथ होती है, यानी कि 6 महीने में ये अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो ज़्यादा डिले है वो हर चीज़ों में हो रहा है, और इस बार तो केस भी किया गया है कि मतलब इसमें इतनी सारी अनियमितताएँ हुई हैं तो इनकी जाँच होनी चाहिए। लेकिन अब आगे केस में क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि जो सुनवाई हुई थी उसमें लिस्टिंग हुई और आगे की जो डेट है वो डेट नहीं दी गई है और लंबे समय के लिए टाल दिया गया है। तो अब बाकी जो याचिका डली है उनका देखिए क्या होता है, क्या डेट दी जाती है, वो सारी चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन कई सारे विद्यार्थी ये बोल रहे थे कि डीवी का जो शेड्यूल है वो जारी होने वाला है, तो क्या ये सच्चाई है? तो जी हाँ, बिल्कुल, जो जानकारी मिली है वो ये है कि आर ओ ए आर ओ का जो स्टाफ है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसकी काफ़ी कमी है, वहाँ पर स्टाफ की काफ़ी कमी है, और हाई कोर्ट चाहता है कि जल्द से जल्द ये जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी हो जाए। तो इसके लिए वो बिल्कुल ज़ोर से लगा हुआ है, और आपका जो डीवी शेड्यूल है वो इसी हफ्ते में जारी हो सकता है, जो कि जानकारी मिली है। अब केस में क्या होता है, केस चलता रहेगा, और ये अगर सिलेक्शन इनका हो गया है, जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, तो इनका डीवी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और ज्वाइनिंग वगैरह करवा दी जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट में जो स्टाफ की वो काफ़ी कमी है। जो जानकारी मिली है वही आप तक यहाँ पर मैं पहुँचा रहा हूँ। अब केस में क्या होता है, क्या सुनवाई होती है, वो सारी चीज़ें देखने वाली है। लेकिन जो बात पता चली थी कि डीवी शेड्यूल जो है वो इसी हफ्ते में जारी किया जा सकता है। चलिए, जो अपडेट थी वो आपको यहाँ बता दी गई है। तो थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।